बातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी और परिवर्तन निदेशालय ने 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है उनमें से उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। पीएफआई और इससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त टीमों ने 11 राज्यों में अब तक कुल 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश में 5, असम में 9, दिल्ली में 3, कर्नाटक में 20, केरल में 22, मध्य प्रदेश में 4, महाराष्ट्र में 20, पांडुचेरी 3, राजस्थान 2, तमिलनाडु 10 और यूपी से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के नेताओं के घरों पर छापेमारी हो रही है। राज्य समिति कार्यालय पर भी छापेमारी की जा रही है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।